कोंडागांव जिला के विकासखंड कोंडागांव के मुनगा पदर के आश्रित ग्राम बागढोड़ा में बिजली के खंभे लगभग एक वर्ष से लगे थे, लेकिन वहां बिजली के तार नहीं खींची गए थे और ना ही कनेक्शन जोड़ा गया था, जिसके कारण वहां के 60 परिवार के लोगों को अंधेरा में गुजारा करना पड़ रहा था। आपके गांव में क्या समस्या है? लाइट का समस्या है। 30 मकान है, अभी तक 6 महीना हो गया, लाइट सब 30 फीट फाट हो गया है। आज तक चालू ही नहीं किया, तो लाइट ऑफिस में भी गया था, वहाँ चालू कर दूंगा बोलते हैं, लेकिन आज तक करते ही नहीं। बच्चे लोग छोटे छोटे बच्चे मन है, पढ़ने लिखने में सबको तकलीफ होता है, खाना उना बनाने में रात को भाई लोग को भी परेशानी है, सबको परेशानी है। अंधेला में जाए जितना भी पढ़ने लिखने लोग हैं। आज इस गांव को बसे लगभग 20 वर्ष हो चुके थे, लेकिन इस गांव में बिजली नहीं पहुंच पाई थी। शासन ने तो बिजली के खंभे एवं तार 6 माह पूर्व खींच रखे थे, लेकिन कनेक्शन नहीं जोड़ने के कारण इस गांव में अंधेरा छाया हुआ रहता था। लेकिन जब मैं इस मुद्दे को लेकर वीडियो बनाया एवं अधिकारी को दिखाया, तो उन्होंने हमें 1 से 2 माह के बीच में इस कनेक्शन को जोड़ने का आश्वासन दिया और आज इस गांव में बिजली पहुंच चुकी है। वहां के बच्चे, महिला, कृषक भाई सब खुश नजर आ रहे हैं। गांव में लगातार संपर्क बनाए रखा और अधिकारी को भी संपर्क बनाए रखा। आज लगभग बिजली लग जाने से बागढोड़ा के निवासियों को, लगभग 250 लोगों को इसका फायदा पहुंच रहा है। 30 साल से जब हमारा गांव बसा तब से लाइट का समस्या था, अभी अभी लाइट लग गया है। हाँ। अभी कोई समस्या नहीं है, हमारे बच्चे लोग अच्छा पढ़ लिख रहे हैं, हम खेती किसानी वाले इंसान हैं, हम अपन में बोर और करवा सकते हैं और अपन धान का उपज भी अच्छा करवा सकते हैं। तो ये किसके प्रयास से हो पाया? आप लोगों का प्रयास से हो गया, तो अधिकारी के प्रयास से हो गया है, तो इसके लिए आप किसे धन्यवाद देंगे? आपको भी धन्यवाद, अधिकारी भी धन्यवाद। तो आपका क्या समस्या था? पहले लाइट का समस्या था, अभी आपके धर्म से वो बन गया। तो ये कब से था लाइट का समस्या? लाइट का हो गया बहुत साल से समस्या था, यहाँ तो पहली बार लाइट लगा है। ऐसे तो अब आपके मन में कैसे लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है, बच्चे बच्चे का भी पढ़ाई लिखाई में और सारा चीज में अभी ठीक है। तो इसके लिए आप किसे धन्यवाद देना चाहोगे? आपको दूंगा वाली, तो आप तो मदद किए। इस वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करना चाहूँगा कि संबंधित अधिकारी, विद्युत मुख्य अभियंता नवीन पोयाम, जिनका मोबाइल नंबर है 9424170833, इस नंबर पर कॉल करें, उन्हें धन्यवाद दीजिए। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।